कमजोर महिला मानती है कि उनके पास बिस्तर पर सोते रहने के लिए कोई विकल्प नहीं है। मकान मालिक के साथ सेक्स के लिए किराए का झटका। अपने घरों में मुफ्त कमरे के बदले में यौन आश्वासन मांगने वाले मकान मालिकों की ठोकरें पैमाने को एक वृत्तचित्र में प्रकट किया गया है। एक जबरदस्त महिला जो किराए के मकान मालिक के लिए एक बेजान सेक्स के साथ रहती है, उसने स्वीकार किया है कि वह आभारी है जिसने उसे बलात्कार नहीं किया। जमींदारों के द्रुत शीत पैमाने उनके घरों में मुफ्त कमरे के बदले में यौन लाभ के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि वे बढ़ते हुए किराए का लाभ लेते हैं, एक चौंकाने वाली वृत्तचित्र में पता चला है। एक रिपोर्टर गुप्त रूप से चला गया और क्रेगलिस्ट पर नीच लोगों को दूषित किया गया ताकि उन्हें बेनकाब किया जा सके। एक ने उसे एक पूर्व किराएदार के संपर्क में डाल दिया, जिसने बताया कि वह अपने घर पर किराए पर मुक्त रहने के दौरान उसे छूने की कोशिश करता था। किराएदार, जिसे नामित नहीं किया गया था, ने कहा, मुझे हर बार जब वह मुझे छूने की कोशिश करता तो लगभग पंगू महसूस होता था, लेकिन उसने खुद को मुझ पर बल नहीं दिया। एक मायने में मैं बहुत आभारी हूँ, वे ऐसा नहीं करता। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे आभारी हैं, तो उन्होंने उसे बलात्कार नहीं किया, महिला ने जवाब दिया। निश्चित रूप से मैं खुद को उसके साथ सो नहीं करने के लिए माफी मांगता था। सहमति का विचार मिसलाया जाता है, क्योंकि एक महिला सोचती है कि यह मेरे लिए एक मुद्रा है जो मुझे इस आदमी को देना है ताकि मेरे सिर पर एक छत मिल सके। पूर्व सन ऑनलाइन रिपोर्टर एलिफ्लिन ने वर्गीकृत साइट क्रेगलिस्ट पर विज्ञापन देने वाले विभिन्न पुरुषों के समूह के साथ मिलकर किराया समझौते के लिए सेक्स में दिलचस्पी रखने का दावा किया। पूर्व किराएदार के मकान मालिक, जिन्होंने उन्हें बताया था कि वे एक ही बिस्तर पर सो रहे होंगे, लेकिन उन्हें आश्वस्त करता है कि वह उसे पजामा रखना कर सकती है। एक और ने उससे कहा कि वह हर दूसरे दिन पर एक यौन कृत्य करने के लिए कहता है, जबकि एक और स्पष्ट रूप से कहता है, मैं सिर्फ यह कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एफ तारांकिन कश्मीर चाहता हूँ। लेकिन बदमाश जमींदारों का दावा है कि वे कमजोर लड़कियों को अपने सिर पर एक छत के लिए बेताब के कारण कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे यह मानते हैं कि यह कानून के खिलाफ है। एक मकान मालिक जो उससे मिलती है, उससे कहती है कि वह एक लॉग केबिन सो रही होगी, जिसमें कहा गया है, यह एक हफ्ते में एक भौतिक व्यवस्था है, हम एक साथ मिलते हैं, थोड़ा मजा आता है, यही वह है, कुछ भी असामान्य नहीं है, कुछ भी अजीब नहीं है, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। एक और कहते हैं, मैं सभी के लिए पूछ रहा हूँ, विनिमय में सेक्स है? हाँ। किराया विज्ञापनों के लिए सेक्स अधिक लोकप्रिय ऑनलाइन होते जा रहे हैं, क्योंकि कमजोर युवा और कम भुगतान वाले लोग आवास से बाहर हैं। कानून बताता है कि जब कोई व्यक्ति यौन उत्पीड़न अधिनियम 2003 के तहत एक वेश्या बनने के लिए प्रेरित करता है या उसे उत्तेजित करता है, तो अपराध किया जाता है। लेकिन यूके में किराए के लिए सेक्स पर कोई ज्ञात अभियोग नहीं है, क्योंकि यह ऐसी एक नई घटना है। यह किराया जमींदारों के लिए यौन संबंध में अपनी स्वयं की जांच करने के बाद आता है, एक के साथ अपने अजीब फ्लैट मुफ्त में भेंट के साथ, यदि हमारे रिपोर्टर उसके साथ बिस्तर साझा करने के लिए तैयार थे।